उतना उस जमीन को जो है जिला यानी न्यायालय के नाम से ट्रांसफर करवा देंगे। न्यायालय भवन के लिए हम लोग अपना लड़ाई शुरू किए कि हम लोग को जमीन दिलवाया गया और उसमें निर्माण हो पाए। उसके बाद सरकार ने कुछ जमीन अधिग्रहित की, अधिग्रहण करने के बाद कुछ जमीन को बैठताओं ने एक लंबा लड़ाई लड़ा, धरना प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई। उनको कटवा जो है कानूनी लड़ाई में हम लोगों को हाईकोर्ट ने भूमि के न्यायालय भूमि के लिए हम लोग एक लंबा लड़ाई लड़े। वर्ष 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भवन मायावती जी चंदौली जनपद का विजिट की, उसमें कुछ जमीन को बैनामा हम लोगों ने करवा दिया, लेकिन कुछ जमीन के जो मालिक थे वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के बाद फिर जो है इन्हीं लोगों ने एक सेक्शन 19 आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दा यही है कि जो हम लोग लड़ाई जमीन को लेकर न्यायालय भवन निर्माण की जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे वो कल जाकर अधिग्रहण की कार्रवाई कल संपन्न हुई। क्या कार्रवाई हुई है और आगे किस तरह के आप लोग कार्रवाई में? कार्रवाई ये हुआ है कि कुछ जमीन को हम लोगों को पहले ही सरकार द्वारा मिल गया था और बाकी जमीन का कुछ जमीन जो हम लोगों ने के मतलब प्रयास से बैनामा हो गया था कैले के नाम से, और जो जमीन अभी जो शेष बची थी उसका अधिग्रहण जो है किया गया था वो जो है कार्रवाई कल संपन्न हुआ है। इसलिए कल जो है हम लोगों के न्यायालय के लिए कह दीजिए कि बहुत ही खुशी का दिन कल रहा। तो आगे आप लोगों को प्रोग्राम भी है इसको लेकर के? इसको लेकर कल जो है हम लोग पहले तो विजय जुलूस निकालेंगे, उसके बाद निर्माण को लेकर हम लोग चीफ जस्टिस और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे।